हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम देखेंगे एनईपी 2020 और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि एनईपी 2020 में पिछले जो एनईपी थे उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आप सभी को ये सारी चीजें जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके इंटरव्यू हॉल में क्वेश्चन बनेगा और एनईपी 2020 से एक क्वेश्चन तो निश्चित है कि आपसे बनना ही बनना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एनईपी 2020 के रिफॉर्म्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो हम लोग आज देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब आप सभी को पता है समावेशी शिक्षा, यानी सबको एक साथ लेके समावेशी शिक्षा में आगे बढ़ना, यही है हमारा सबसे पहला एनईपी 2020 का पॉइंट। और इसमें ये दिया गया है कि स्पेशल इंफेसिस टू द गिवन सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप SDG, यानी कि जो कोई भी है, चाहे वो वीकली पर्सन है, चाहे वो डिसेबल पर्सन है, चाहे वो नॉर्मल है, अगर कोई डिसेबल पर्सन भी है तो उसको भी साथ साथ लेके चलना है और उसको साथ साथ पढ़ाना है, वही शिक्षा देना है जो हम लोग नॉर्मल बच्चों को देंगे। अब देखिए, जैसे कि आप बोलेंगे कि हमें जो डिसेबल पीपल हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको भी साथ साथ लेके चलना है, तो आपसे यही क्रॉस क्वेश्चन बनेगा कि आप उन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, उसको थोड़ा कम दिखता है, तो फिर आप उसके लिए ऐसा क्या क्या चीजें अपने क्लास में करेंगे जिसकी वजह से वो आसानी से पढ़ सके। कोई बच्चा होगा जो सुनने में थोड़ा सा कमजोर होगा, जो अच्छे से लिख नहीं पाता होगा, तो इन सारे बच्चों के लिए आप क्या क्या चीजें करेंगे अपने क्लास में कि आप सभी बच्चों को एक साथ लेके एक तरीके का शिक्षा दे सके, एक तरीके की एजुकेशन दे सके। तो ये पॉइंट आपको वहां पे क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो मैं आपको इसको तो बता ही दूंगी। तो आपको ये देखना है, आपको ये बताना है कि जो भी डिसेबल पीपल है आपके क्लास में, आप उनको एक साथ कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनके साथ भी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सिस्टम है वो कायम रखेंगे, कैसे सबको एक साथ लेके समावेशी शिक्षा आप करेंगे अपने क्लास में, इसका जवाब आपको देना है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम द प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12। यानी कि हम लोगों को जिस भी हिसाब से पढ़ाना, जिस भी तरीके से पढ़ाना, एकदम प्री से लेके पोस्ट तक हर एक चीज एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाना है, हर एक चीज, हर एक बातों को प्रॉपर तरीके से बताना है और यूनिवर्सल तरीके से हर एक लेवल पे जाके हम लोग बताना है। अगर हम लोग क्लास फिफ्थ में बता रहे हैं, क्लास सिक्स में बता रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ में, जिस भी हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं वो हर एक चीज में अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक नॉर्मल चीज बता रही हूँ, ये आपके इंटरव्यू हॉल में आपके क्वेश्चन में पुट अप किए जा सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बच्चों से अगर कभी पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हम क्लास 11 में पढ़ते हैं, है ना, हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, 1 में पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये कभी कभी टीचर्स भी, हम जैसे लोग भी उसको बातों को बोल देते हैं कि हाँ मेरा बच्चा क्लास 1 में पढ़ता है। गलत है, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में ये नहीं होता, क्लास 1, 2, 3 होता है, हम स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, हम कोई 1, 2, 3 नहीं होता है। उसी तरीके से आप जब डेमो देंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे ना, क्लास को मेंशन करेंगे तो क्लास 1, क्लास 2 ऐसे मत करेगा, क्लास 1, क्लास 2 करेगा। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस क्लास के पोएम को बताने वाले हो, तो अगर आप बोलने वाले हैं कि क्लास 1, क्लास 2, तो आप ये बिल्कुल मत बोलेगा, आप क्लास 1, क्लास 2 बोलेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके इंटरव्यू हॉल में आपको नंबर दिलवाने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। तो आपको मैंने एक नई चीज बताई है, आप लोगों को पता भी हो सकता है ये बात, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि क्लास 1, 2, 3 नहीं, क्लास 1, 2, 3 ऐसे करके बोलते हैं, तो आप लोग जरूर बोलिएगा इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि न्यू करिकुलम एंड पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज 5+3+3+4। आपसे ये पूछा जाएगा, ये 5+3+3+4 ये क्या है, इसका मतलब क्या है, किस किस लेवल में इसको डिवाइड किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ये एनईपी 2020 में लाया गया है। अब देखिए ये कैसे थे, पहले क्या था, हम लोग पढ़ते थे ना 10+2, ये पहले था। अभी ये जो हम लोग का है 5+3+3+4, ये एनईपी 2020 का है। अब आपको ये बताना है कि ये 5+3+3+4 ये है क्या। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्लास जो फिफ्थ मैंने बताया 5+3, तो ये जो 5 है इसका मतलब है क्लास नर्सरी, देन LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें देखिए 5 आ गए, तो ये हो गया इसका 5, सेकेंड तक हो गया है। इसमें आएगा क्लास 3rd, 4th एंड 5th, फिफ्थ ये 3rd तक हो गया, एंड देन इस 3rd में आएगा क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, देन लास्ट जो ये 4 है इसमें क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो इस तरीके से करके हम लोग की क्लासेस कंप्लीट हुई हैं 5+3+3+4 में। ये जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है वहां पे पूछ ले कि इस 5 का मतलब क्या क्या क्लासेस है, तो आप बताएंगे नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लास 5, ये टोटल पूरा 5 हो गया। यहाँ पे फिर उसके बाद 3rd, 4th, 5th, ये 3 का मतलब है, एंड देन नेक्स्ट 3 का मतलब है 6th, 7th, 8th, एंड लास्ट में जो 4 है इसका मतलब है 9th,
टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। तो ये है हमारा एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर, हम लोग इस तरीके से पढ़ाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट है सेटिंग अप टू स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड एक्टिविटीज, यानी कि जो कुछ भी हम लोगों में आप लोग देखते होंगे कि स्टेट वाले प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेट स्पोर्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें भी हमारे एजुकेशन में इन्वॉल्व होनी चाहिए। और जो कुछ भी एक्टिविटीज हमारे में हो रही है, हमारे स्कूल्स में हो रही है, वो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड तरीके की बातों को हम लोग बच्चों को सिखाएंगे, स्टैंडर्ड एजुकेशन देंगे, फ्रॉम बेसिक टू द स्टैंडर्ड लेके जाएंगे। आप लोग ये पढ़े होंगे FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने एजुकेशन को बच्चों के सामने ले आएंगे और उनको अच्छे तरीके से समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन देते हुए अपने एजुकेशन को उनके सामने कंप्लीट करवाएंगे, उनके एजुकेशन को एक बेटर फ्यूचर देने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये एनईपी 2020 का तरीका मैंने जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया हो, और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, ये आप लोग जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।